पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, जिला प्रशासन का रवैया सुस्त। सिल्क सिटी भागलपुर में रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तो अधिकतम 20 डिग्री तक जाने का अनुमान है। इसका सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। घरों से निकलना दूरभर हो गया है, लेकिन दैनिक कार्य करने वालों के लिए बाहर निकलना मजबूरी है। तो वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम का रवैया भी सुस्त नजर आ रहा है। लोगों को खुद से अलाव का व्यवस्था करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि परेशानियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ठंड के साथ साथ हम सब की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बढ़ते ठंड से ठिठुरन जबरदस्त है और हम लोग को तो घर से भी निकलना मुश्किल है। अभी कुछ दैनिक कार्य के चलते घर से निकले, इतनी ठंड है कि यहाँ पर आग का खुद व्यवस्था करके हम लोग जला रहे हैं। अभी तक तो कुछ कहीं गिरा नहीं है, अलाव का व्यवस्था हम लोग खुद व्यवस्था करके जला रहे हैं। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका। जिला जादू की छड़ी तो नहीं कि तुरंत में भागलपुर का विकास हो जाए। भागलपुर के व्यापारी वर्ग के द्वारा सभी नवनिर्वाचित मेयर, उप मेयर और पार्षदों का हुआ सम्मान समारोह। आज भागलपुर के हरिया पट्टी में व्यापारी वर्ग के द्वारा सभी नवनिर्वाचित मेयर, उप मेयर और पार्षदों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। सबों ने भागलपुर के विकास में अपनी 100% भागीदारी देने की बात कही। वहीं भागलपुर के नवनिर्वाचित उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा, हम लोगों का इस बार का मूल मंत्र रहेगा सिर्फ और सिर्फ भागलपुर का विकास। एक तरफ भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एवं सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग एक स्वस्थ और स्वच्छ भागलपुर तैयार करेंगे। भागलपुर को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इसे हम लोग जल्द तैयार कर लेंगे। जादू की छड़ी तो नहीं कि तुरंत विकास हो जाए, लेकिन हम लोग एकजुट होकर बैठक करके इस पर विशेष गहन मंथन कर कार्य प्रारंभ करेंगे। वही लगातार चौथी बार अपने वार्ड से पार्षद बनी डॉक्टर प्रतीश शेखर ने कहा कि इस बार नगर सरकार में नए युवाओं की फौज है, साथ ही साथ अनुभवी पार्षद भी हैं। औद्योगिक विभाग द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर सुधार संबंधी जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। भागलपुर जीरो माइल के जिला उद्योग केंद्र रेशम भवन में आज औद्योगिक विभाग द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला स्तर पर सुधार संबंधित जागरूकता कार्यशाला के तहत उद्यमियों को उनके उद्योग में हो रही परेशानियों के बारे में कई बातें बताई गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहटा के कई उद्यमी इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित थे, जिन्होंने इनके कई टिप्स को समझाया। गौरतलब हो कि यह उद्यमी योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य था उद्यमियों में जागरूकता लाना एवं उनके व्यवसाय में हो रही परेशानियों का समाधान। जिला स्तर पर चल रहे सुधार संबंधित जागरूकता कार्यशाला में दर्जनों उद्यमी के साथ साथ प्रशिक्षक व पदाधिकारी उपस्थित थे।